दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अच्छी बारिश हुई है, कल भी यहाँ पे बारिश हुई थी और अभी मौसम जो है वो बारिश का है, कभी भी बारिश आ सकती है। देखिए, बारिश के बाद जो प्लांट्स हैं वो कितने अच्छे से हेल्थी लगते हैं और काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो गए हैं सभी प्लांट्स। ओके दोस्तों, तो आज भी हम एक ट्री और लगाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, कुछ प्लांट्स मेरे ऐसे रखे हुए हैं जो मैंने नहीं लगाए थे, आज हम उनको पॉट करेंगे क्योंकि अब जो सीज़न है वो अच्छा है बारिश का। यहाँ पे बारिश जो है वो लेट स्टार्ट हुई है तो अब इनको लगाना यहाँ पे ठीक होगा। आज हम ये ट्री लगाएंगे जिसको बोलते हैं पीलू ट्री। इस पे पील लगती है, पील एक फ्रूट होता है जो छोटा सा होता है, जैसे अंगूर होता है, अंगूर के शेप का होता है लेकिन साइज में उससे आधा होता है। ये हरियाणा में काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसको यहाँ पे गाँव में बनी भी बोलते हैं, यानी कि पील की बनी। तो चलिए, इस प्लांट के बारे में पहले हम बात करते हैं और फिर इसको इम्पोर्ट करेंगे। तो पील एक एवरग्रीन ट्री है, इसकी हाइट 7 से 8 मीटर तक ग्रो कर सकती है और इसकी जो ब्रांच होती है वो नीचे की तरफ झुकी होती है। मैंने यहाँ पे काफी प्लांट देखे हैं जो काफी पुराने हैं और अंदर से उनकी जो वुड है वो खोखली हो जाती है और जो प्लांट्स है वो नीचे की तरफ झुके होते हैं, दिखने में बहुत ही पुराने लगते हैं। दोस्तों, इसको जाल और पीलू के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको सलवाडोरा के नाम से जाना जाता है। अप्रैल के महीने में इस पे नए पत्तियां आने शुरू हो जाती है और इसकी जो रूट्स होती है उन रूट से ही एक नई ब्रांच निकलती है और नीचे वहीं पे उसके जो जड़ें हैं ब्रांच के वो चल जाते हैं। इस तरह से ये एक ही ट्री से काफी ट्री बनती चली जाती है, यानी कि इसकी जो ग्राउंड लेयरिंग है वो ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से होती रहती है। इस तरह से इसके जो पौधे है वो नया जन्म लेते हैं। मार्च अप्रैल में जब इसकी नई पत्ती आती है उसके साथ इसमें जो फ्लावरिंग है वो भी आ जाती है और इस पे जो पीले रंग के छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं जिनको पील कहते हैं, इसीलिए इस पेड़ को पील भी कहा जाता है, पील का पेड़। इसकी लकड़ी जो है वो नरम और हल्की होती है। दोस्तों, इसकी जो जड़ है उसको काफी औषधियों में उपयोग में लाया जाता है। पील के बीज से जो तेल निकलता है उसको गठिया दर्द के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है और इसको इसके फल को खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और जो पथरी की प्रॉब्लम होती है उसमें भी काफी राहत मिलती है। इसकी जड़ के छोटे छोटे टुकड़े कराकर उसको एज ए ब्रश यूज किया जाता है, जिसको हरियाणा में यहाँ पे दांतुल करना बोलते हैं, जो कि दांतों के लिए काफी फायदेमंद होता है। ओके दोस्तों, तो इस ट्री को आज हम यहाँ पोर्ट करेंगे। मेरे पास ये कुछ ट्री है, मैं इनको ग्राउंड में ग्रो करूंगा। दोस्तों, इनको अगर हम कोई शेप अगर ना भी देंगे तो भी ऑटोमेटिक शेप ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्री है बोनसाई के लिए। इस बार हम कुछ प्लांट इसके जो है एज ए बोनसाई ग्रो करेंगे। तो देखिए, आपको एक छोटा प्लांट मैं इसमें दिखाता हूँ। मैं इस बार कुछ प्लांट लेके आया हूँ। ये प्लांट जो है आपको दिख रहा होगा, इसकी जो शेप है ये पहले से थोड़ी सी इस तरह से बैंड है, यानी कि इस पे हमें थोड़ा सा वर्क करना होगा और ये ऑटोमेटिक ग्रो कर देगा। ये देखिए, आपको इस तरह से अगर इसको रखेंगे तो ये कैस्केड स्टाइल ले सकता है। इस ट्री को मैं थोड़ी सी शेप दूंगा तो इसमें हम जो वायर है वो लगा देंगे पहले और वायर को इस तरह से इसके चारों तरफ लपेट देंगे। दोस्तों, मैं ये कुछ जो ट्री लगा रहा हूँ ये अभी दिखने में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आप यकीन कीजिए जब ये बड़े होंगे और जब ये बोनसाई बनेंगे तो काफी अच्छा इनका शेप आएगा और बहुत ही अच्छे ट्री बनेंगे। जैसे कि मैं आपको काफी वीडियो में बताता हूँ कि बोनसाई जब आप बनाए तो इसके अंदर हमें क्या है, धीरज रखना बहुत जरूरी है। हमें इसके लिए जो वेट है वो करना पड़ेगा, तभी जो हमारा ट्री है वो एक अच्छा ट्री बन पाएगा। इसको मैंने शेप दे दी है, अब हम इसको ग्राउंड में यहीं पे लगा देंगे। ओके दोस्तों, अब हमें करना क्या होगा, इसको हम पॉली बैग से निकाल लेंगे। यहाँ की मिट्टी काफ़ी नरम होती है, ये इजीली टूट जाती है इसकी रूट बॉल, तो केयरफुली हमें इसको निकालना होगा। ये देखिए, इसकी रूट्स नीचे तक जा चुकी है। इसमें इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो नर्सरी वालों ने ज़्यादा मिट्टी लगा रखी है, तो हम ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी इसकी हटा देंगे। अब देखिए, हमारा जो ट्री है ये इस तरह की शेप इसने ले रखी है। अब हम इसको ग्राउंड में लगा देंगे। दोस्तों, ट्री हमने लगा दिया है, अब हम इस पर जो मिट्टी है वो ऐड कर देंगे। दोस्तों, ये धूप का प्लांट है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसको फुल सनलाइट चाहिए, इसको धूप में रखना चाहिए, धूप में अच्छे से ग्रो करता है। वाटरिंग इसमें कम करें, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। ये अगर आप रेगिस्तान में भी ग्रो करेंगे तो वैसी जगह पर भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। और दोस्तों, ट्री हमने लगा दिया है, अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। हालांकि जो मिट्टी है वो पहले काफ़ी गीली है, लेकिन फिर भी हमें वाटरिंग इतनी करनी पड़ेगी कि एक बार जो मिट्टी है थोड़ी सी गीली हो जाए। दोस्तों, इस ट्री का एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस ट्री में ओवर वाटरिंग है वो ना हो। ओवर वाटरिंग होगी तो इसका जो बार वो सड़ सकता है, तो ओवर वाटरिंग इसमें ना करें।
इसकी पत्तियां कुछ कुछ देखने में आपको जो अपने रेवड़े का पेड़ देखा हो तो रेवड़े के पेड़ जैसी है। दोस्तों इस ट्री से जो व्हिपिंग स्टाइल बॉन्साई है वो भी अच्छा बनेगा। अगर हम इसको रॉक पर यूज करना चाहें तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इस तरह से शेप लेता है जैसे पहाड़ों पे जो ट्री होते हैं नीचे की तरफ झुके हुए कैस्केड टाइप में, यानी कि आप हर तरह की स्टाइल बॉन्साई के लिए इसको दे सकते हैं। ये देखिए अभी मेरे पास कुछ ट्री और है, मैं इन सबको भी यहीं पे लगा दूंगा जो हमने बेड बनाया इसमें, ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए और बाद में हम इसको स्टाइल दे सकें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।